राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नोटिस भेजते हुए जांच और कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हालांकि इससे नाराज नवीमुंबई के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज वाशी के शिवाजी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार का निषेध जताया। जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि जिस सरकार के कई मंत्री और उच्चाधिकारी जेल में हैं और कईयों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, इसलिए सरकार राजनीतिक षड्यंत्र चलाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। देखिए रिपोर्ट। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। देवेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता पार्टी जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। भारतीय जनता पार्टी जय हो। नवी मुंबई बीजेपी ने आज महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ वाशी में मोर्चा निकाला और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दी गई नोटिस की प्रतियां फाड़ते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चे में पूर्व मेयर जयवंत सुतार, जिला महामंत्री विजय घाटे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले और सुहासिनी नायडू समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि जिस सरकार के कई मंत्री और उच्चाधिकारी जेल में हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, ऐसी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र चला रही है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी उद्धव सरकार के भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ रहे हैं, इसलिए महाविकास आघाड़ी सरकार जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता है जो सब कुछ देख रही है। देवेंद्र फडणवीस सर के सच्चा कार्यकर्ता ते जे बोलतात ते खरं असतं याचा प्रतिज आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। त्याने एक षड्यंत्राचा गोमेस्फोट केला आणि तो गोमेस्फोटाचा राग महाविकास आघाडीने त्यांच्यावर ठेवला। गोव्यासारख्या राज्यामध्ये त्यांच्या माध्यमातून गोव्यामध्ये बहुसंख्य सरकार आलं, त्याचाही राग त्यांनी ठेवला। आणि 6 महिन्यापूर्वी त्यांनी एक पोलीस बदलींच्या घोटाळ्याचा षड्यंत्र उघडकीस करणारा एक पेनड्राईव्ह सभागृहात दिला, त्याची इन्क्वायरी म्हणून ते विरोधी पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांना पोलीस स्टेशनला त्यांनी पाचारण बोलवलं गेलं आणि मग कुठेतरी महाराष्ट्र पेटून उठेल। महाराष्ट्राचे नागरिक हैराण झालेले आहेत की अशा सच्चा माणसाला, अशा एक निष्ठ माणसाला हैराण करण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकार करतंय आणि सगळे नागरिक आणि भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील ही भीती बाळगून त्या लोकांनी यूटर्न घेतला आणि त्यांच्या घरीच जाऊन त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले। सीबीआयकडे केस गेल्यानं देखील पोलिसांचा तो अधिकार नसताना त्यांनी त्यांना नोटीस दिली। त्या नोटीसच्या विरुद्धमध्ये आज भारतीय जनता पार्टीचे नवंबरचे सगळे कार्यकर्ते, महापौर साहेब असतील, त्या मोठ्या प्रमाणात इथे आले। महाविकास आघाडी आणि ठाकरे सरकारला इशारा देण्यात आलेला आहे की अशी अनऑथोराइज तुमची नोटीस आम्ही उभ्या महाराष्ट्रामध्ये फाडून टाकलेली आहे। विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब याने विधानसभेमध्ये जे काय प्रकरण आहे तुम्हाला ज्ञात आहे ते उघड केलं आणि म्हणून गोपनीयतेचा भंग केला म्हणून त्यांना नोटीस बजावून आणि म्हणून त्याचा तीव्र निषेध करण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई यांनी या ठिकाणी आज आंदोलन केलेलं आहे। निश्चित स्वरूपामध्ये भविष्यकालखंडामध्ये आणखी लढा तीव्र करण्याचा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष ज्या पद्धतीने आदेश देतील त्या पद्धतीने नवी मुंबईतील भारतीय जनता पार्टी तयार असेल। पिछले अधिवेशन में सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी ने एक अहवाल प्रस्तुत किया था सारे लोगों के लिए और विधानसभा के लिए। उस अहवाल में उन्होंने पुलिस के ट्रांसफर्स के बारे में जो कॉल रिकॉर्ड्स थे, पैसे का लेन देन था, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। तत्पश्चात वो सारा अहवाल उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के पास हस्तांतरित किया हुआ था और सीबीआई के जरिए कार्रवाई चल रही थी। अपेक्षा ये थी नागरिक के नाते महाराष्ट्र सरकार उस अहवाल के दखल लेते हुए ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, उसके ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी करे। बजाय तकरार करने वाले की इंक्वायरी, तकरार पे इंक्वायरी करने के,
तकरार करने वाले के ऊपर ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया ताकि ये जो सारा भ्रष्टाचार चल रहा है वो कहीं ना कहीं दबाया जा सके। ये मानसिकता से ये सरकार काम कर रही है और इसका निषेध हर नागरिक ने महाराष्ट्र के करना जरूरी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का कि जो कार्रवाई करके जनता के सामने ये सारे महाराष्ट्र सरकार का पोल खोल कर रही है और लोगों को समझ में आ रहा है और ये निषेध निरंतर चालू होगा। आदरणीय प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र जी ने विधानसभा के अधिवेशन में पिछले अधिवेशन में किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस पेनड्राइव में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र के पुलिस दल के लिए एक कलंक है। इसमें कितनी रिश्वत पोस्टिंग के लिए दी गई उसका पूरा रिपोर्ट इसमें है और विधानसभा के रिकॉर्ड पे वो सब बातें है। बावजूद इसके महाविकास आघाड़ी सरकार इसकी इंक्वायरी करने के बजाय प्रतिपक्ष नेता की इंक्वायरी कर रही है। संविधान ने उनको एक विशेष अधिकार दिया है, उसके माध्यम से जो सूत्रों से इंफॉर्मेशन उनको पता चलती है उसको पूछने का अधिकार सरकार को नहीं है। बावजूद इसके सरकार ये पूछ रही है। सरकार ने जो घोटाला किया उनकी इंक्वायरी करने के बजाय प्रतिपक्ष नेता की यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, इसका निषेध हम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।